तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोयल एज ए रिसोर्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोयल क्या है। सोयल क्या है? एक नेचुरल रिन्यूएबल सोर्स है जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, जो कि हेल्प करता है प्लांट्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए, प्लांट्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ में हेल्पफुल है। तो इसमें आप देखो, अगर सोयल स्ट्रक्चर के बारे में मैं बात करूं आपको, तो इसमें जो टॉप मोस्ट लेयर होती है, टॉप मोस्ट लेयर होती है वो फर्टाइल होती है, ठीक है। तो बेसिकली जो हम अपने चैप्टर में बात करते हैं इरोजन की, सोयल इरोजन की, तो वो इरोजन किसका होता है? तो वो इरोजन जो टॉप मोस्ट लेयर होती है, जो फर्टाइल लेयर होती है, उसका इरोजन होता है बाय वाटर एंड एयर। तो हमारा जो चैप्टर है उसमें हम सोयल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जिसमें हम 6 तरीके की सोयल के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। सबसे पहले आता है एलुवियल सोयल। एलुवियल सोयल, सेकंड ब्लैक सोयल, थर्ड रेड एंड येलो सोयल, फोर्थ लैटराइट सोयल, फिफ्थ फॉरेस्ट सोयल और सिक्स्थ एरिड सोयल। तो हम इन 6 तरीके की सोयल के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इसमें एक चीज आप देखो, जो एलुवियल सोयल है, अगर बात करें कि इंडिया में कौन सी सोयल सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, तो उसका आंसर क्या होगा? एलुवियल सोयल। अप्रोक्स 40% एरिया में कौन सी सोयल पाई जाती है? एलुवियल सोयल, ठीक है। अगर एलुवियल सोयल का भी क्लासिफिकेशन करें, तो एलुवियल सोयल को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है खादर, दूसरा बंगर। खादर एंड बंगर। खादर जो सोयल है उसको हम बोलते हैं न्यू एलुवियल, न्यू एलुवियल, और बंगर जो सोयल है उसको हम बोलते हैं ओल्ड एलुवियल। खादर और बंगर, बंगर जो सोयल है उसको हम बोलते हैं ओल्ड एलुवियल सोयल। अब देखो, जो एलुवियल सोयल का फॉर्मेशन हुआ है वो बेसिकली किसके द्वारा हुआ है? रिवर्स के द्वारा। रिवर अपने साथ जो पहाड़ों से सेडिमेंट, कंकड़, मिट्टी वगैरह लेके आती हैं और उसको स्पेशली प्लेन एरिया में उसको छोड़ती हैं, तो उसी की वजह से क्या होता है? एलुवियल सोयल का फॉर्मेशन होता है। इसमें मेन रोल प्ले किया है गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड देयर ट्रिब्यूटरीज।
जो उनकी सहायक नदियां हैं उन्होंने, ठीक है। स्पेशली जहां पर ये नदी डेल्टा बनाती है उस रीजन में भी हमें एलुवियल सोयल मिलती है। जहां पर ये नदियां, ज्यादातर नदियां डेल्टा किस साइड में बनाती है, बे ऑफ बंगाल की साइड में वो डेल्टा बनाती है, तो एलुवियल सोयल हमें वहां पर मिलती है। और सबसे ज्यादा अमाउंट में एलुवियल सोयल हमें प्लेन एरिया में मिलती है। जो हमारे इंडिया का प्लेन एरिया है, स्पेशली हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, ये वाला रीजन है, इसमें सबसे ज्यादा हमें एलुवियल सोयल मिलती है। तो अब जैसे मैं बात करूं खादर और बांगर की, खादर को बोला गया है न्यू एलुवियल, बांगर को बोला गया है ओल्ड एलुवियल। अब जैसे ये नदी का जो फ्लोइंग रीजन है, इस रीजन से वो फ्लो कर रही है, रेनी सीजन में नदियों में बाढ़ भी आती है। अब मान ले आज से 15-20 साल पहले इस रीजन तक बाढ़ आई, जो नदी से काफी दूर है, तो इस रीजन तक बाढ़ आई, लेकिन उसके बाद यहां पर बाढ़ नहीं आई, फ्लड नहीं आया, तो इस रीजन को हम बोलेंगे बंगर। और जो नदी के बिल्कुल नजदीक वाला एरिया है, यहां पर हर साल नदी अपना जो सेडिमेंट वगैरह डिपॉजिट करती रहती है, तो वो रीजन क्या हो जाएगा, खादर। वो रीजन क्या हो जाएगा, खादर रीजन में उसको हम शामिल करेंगे। अगर इसमें हम बात करें अभी फर्टाइल कौन सा है, तो न्यू एलुवियल जो है, खादर सोयल जो है वो फर्टाइल है, वो ज्यादा फर्टाइल है एज कंपेयर टू ओल्ड एलुवियल और वी कैन से बांगर। लेकिन बांगर सोयल में कंकड़ जो होती है मिट्टी में मिलती है, तो वो ज्यादा बांगर सोयल में मिलती है, वो ज्यादा बांगर सोयल में मिलती है। और ये मैंने आपको बता दिया है एलुवियल सोयल अप्रोक्स 40% के करीब एरिया में इंडिया में पाई जाती है, सबसे ज्यादा 40% एरिया ये एलुवियल सोयल का ही मिलता है हमें। क्लियर है ये। नेक्स्ट सोयल है ब्लैक सोयल। अगर हम एलुवियल सोयल में क्रॉप प्रोडक्शन की बात करें, एलुवियल सोयल में क्रॉप प्रोडक्शन की बात करें, तो इसमें वीट, पैडी और पल्सेज, वीट, पैडी और पल्सेज ये ज्यादा ग्रो होती है। पैडी मीन्स धान, ठीक है, वीट, पैडी, पल्सेज ये ज्यादा प्रोडक्शन होती है। और इसमें फास्फोरस और लाइम ज्यादा मिलता है, फास्फोरस और लाइम। एक चीज याद रखो, इंडिया में जितनी भी सोयल हैं उनमें सभी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, और उस नाइट्रोजन की कमी के लिए हम क्या करते हैं, या तो हम फर्टिलाइजर यूरिया डीएपी वगैरह यूज करते हैं, या फिर हम नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो इसमें वीट, पैडी और पल्सेज प्रोडक्शन के लिए ये ज्यादा, शुगर केन को आप इसमें शामिल करोगे, शुगर केन प्रोडक्शन के लिए भी ये हेल्पफुल है। क्लियर है। नेक्स्ट है ब्लैक सोयल। ब्लैक सोयल ये एग्जाम में बहुत बार आता है। ब्लैक सोयल को हम रेगुर सोयल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेगुर सोयल भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड की सबसे फर्टाइल सोयल कौन सी है,
तो उसका नाम है टर्मा राजो, उसका नाम है टर्मा राजो। तो ब्लैक सोयल को हम इंडिया का टर्मा राजो भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका दूसरा नाम, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसका दूसरा नाम है रेगुर सोयल। कहां पर ज्यादा मिलती है? महाराष्ट्र और गुजरात वाले रीजन में ये ज्यादा मिलती है, महाराष्ट्र और गुजरात। अगर हम बात करें क्रॉप्स की, सुगर केन और कॉटन प्रोडक्शन ब्लैक सोयल में ज्यादा होता है, सुगर केन और कॉटन प्रोडक्शन ब्लैक सोयल में ज्यादा होता है। और इसी यही कारण है, आप देखो बहुत सारे सुगर मिल और बहुत सारे कॉटन मिल गुजरात और महाराष्ट्र वाले रीजन में लगे, क्योंकि उनको रॉ मटेरियल आसानी से मिलता है। अगर मैं बात करूं सुगर केन की, तो आप सोचोगे कि भी सुगर केन गन्ना तो यूपी में भी बहुत होता है, लेकिन मिल ज्यादा महाराष्ट्र में है। अब जो साउथ इंडिया में जो गन्ना प्रोड्यूस होता है और नॉर्थ इंडिया में जो गन्ना प्रोड्यूस होता है, उसमें डिफरेंस क्या है? अभी साउथ इंडिया में जो गन्ना प्रोड्यूस होता है उसका सुक्रोज कंटेंट, यानी कि गन्ने में रस, साउथ इंडिया में ज्यादा है। अब साउथ इंडिया में सुक्रोज कंटेंट ज्यादा है, इट मीन्स उसे हम शुगर प्रोडक्शन भी ज्यादा कर सकते हैं। तो ज्यादातर मिल किस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं? साउथ इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और ब्लैक सोयल शुगर केन प्रोडक्शन के लिए और कॉटन प्रोडक्शन के लिए ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इस सोयल में मॉइस्चर कंटेनिंग कैपेसिटी, मॉइस्चर कंटेनिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा है। ज्यादा दिन तक बिना पानी के ये सोयल रह सकती है, मॉइस्चर कंटेनिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है। अगर अभी मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूं, इसमें आपको पता लगेगा। अब देखो ये फिगर 1.8 है, आप एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 8। तो इस सोयल में ज्यादातर आपको डीप क्रैक्स दिखाई देंगे। ये क्रैक किसकी वजह से है? क्योंकि ये सोयल ज्यादा दिन तक पानी के बिना रह सकती है, फर्टाइल सोयल है, सुगर केन और कॉटन प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा हेल्पफुल है। दूसरा नाम है इसका रेगुर सोयल, क्लियर है ब्लैक सोयल। नेक्स्ट, नेक्स्ट है रेड एंड येलो सोयल, रेड एंड येलो सोयल। ये है डेक्कन प्लेट्यू, अगर बात करें कि भी रेड एंड येलो सोयल मिलती कहां पर है, तो ये डेक्कन प्लेट्यू के साउथर्न और ईस्टर्न पार्ट में, साउथर्न और ईस्टर्न पार्ट में ज्यादा मिलती है, डेक्कन प्लेट्यू के साउथर्न और ईस्टर्न पार्ट में ज्यादा मिलती है, ठीक है। अगर बात करें कि भी रेड सोयल, सोयल का कलर क्या है? कलर क्या है? रेड। तो ये रेड कलर क्यों होता है? ये आयरन डिफ्यूजन के कारण होता है, आयरन कंटेंट ज्यादा होता है, इसकी वजह से इसका कलर क्या हो जाता है? रेड।
अगर बात करें येलो कलर क्यों होता है, ये इसकी हाइड्रेटेड फॉर्म की वजह से, हाइड्रेटेड फॉर्म की वजह से इसका कलर क्या हो जाता है, येलो। यहां पर हम बात करें तो जो रीजन है ये लो रेनफॉल वाला रीजन होगा भाई, बारिश इस रीजन में क्या होगी, कम होगी, लो रेनफॉल वाला रीजन होगा, ठीक है। एक तरीके से जो शैडो जोन में आता है वो रीजन इसमें हम शामिल करेंगे। अब इसमें आप स्टेट के बारे में आपसे पूछा जाए तो इसमें देखो कर्नाटका, अगर हम बात करें फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सब स्टेट इसमें रेड एंड येलो सोयल वाले रीजन में आएंगे, ठीक है, क्लियर है ये। नेक्स्ट सोयल की अगर हम बात करें तो देखो जो आपका बोर्ड एग्जाम होता है उसमें आपको मैप में भी फिल करने के लिए दिया जाता है, तकरीबन एक सोयल आपको मैप में भी फिल करने के लिए दी जाती है। तो अगर मैप के थ्रू आप इसको जानो तो ये देखो जो ये वाला रीजन हमने पढ़ा, ये वाला जो रीजन पढ़ा आप मैप, यहाँ से क्लियर नहीं है तो आप अपने बुक से इसको कंपेयर कर सकते हो, तो ये एलिवेल वाला रीजन है। अब गुजरात महाराष्ट्र वाले रीजन में हमने, मध्य प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र वाले रीजन में हमने ब्लैक सोयल के बारे में पढ़ा है। उसके बाद अगर रेड येलो सोयल जो साउथर्न और ईस्टर्न पार्ट में है, साउथर्न और ईस्टर्न पार्ट में हमें कौन सी सोयल देखने को मिलती है, रेड एंड येलो सोयल। अभी नेक्स्ट जो सोयल है हमारी दैट इज लैटराइट सोयल, लैटराइट सोयल। अब ये सोयल जिस रीजन में मिलती है वहां का जो टेम्परेचर भी हाई है और इस रीजन में रेनफॉल भी हाई है, यानी कि ज्यादा होती है, टेम्परेचर भी ज्यादा होता है और रेनफॉल भी ज्यादा है। किस प्रोसेस के तहत इस सोयल का फॉर्मेशन होता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लीचिंग प्रोसेस, लीचिंग प्रोसेस के थ्रू। और लीचिंग के बारे में अगर मैं बताऊं आपको थोड़ा सा, तो जैसे मान लो देखो ये कोई पहाड़ है, अब मानसून की जो डायरेक्शन होती है हमारे इंडिया में वो है साउथ वेस्ट, क्या डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट। तो इस तरीके से मानसून रेन इंडिया में एंटर करती है। अब मान ले इस साइड में तो बारिश होगी, इस साइड में तो काफी बारिश होगी, लेकिन इस साइड ये साइड क्या है, शैडो जोन, यानी कि जहां पर बारिश, जब कमिंग मानसून के टाइम पे बारिश नहीं होती। तो यहां पर पहाड़ पे जो मिनरल्स वगैरह है वो पानी, बारिश तेज होती है वो सब नीचे आके इधर जमा डिपॉजिट हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उसी प्रोसेस को हम लीचिंग प्रोसेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीचिंग प्रोसेस। अगर हम बात करें भाई इस सोयल में ह्यूमस कंटेंट वो काफी कम मिलता है, ह्यूमस, अगर यहां पर आपको खेती करनी है तो उसके लिए आपको काफी एग्रीकल्चर इनपुट्स का यूज करना पड़ेगा, फर्टिलाइजर्स का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें, इस सोयल में नेचुरल फर्टिलिटी और वी कैन से ह्यूमस की मात्रा काफी कम है। वो मात्रा कम क्यों होती है, क्योंकि जो बैक्टीरिया वगैरह सोयल में मौजूद होते हैं वो ज्यादा गर्मी के कारण मर जाते हैं, अच्छा अगर बात करें कि लैटराइट सोयल वाले रीजन में क्रॉप कौन कौन सी प्रोडक्ट स्पेशली ये किसके लिए है, कैशू नट्स,
काजू वगैरह इस रीजन में ज्यादा होते हैं, स्पाइसेस मसाले ज्यादा होते हैं, ठीक है। जो भाई तमिलनाडु कर्नाटका वाला रीजन है, केरला वाला रीजन है, तो उसमें स्पाइसेस काजू ये कोर्डमम इलायची वगैरह ये सब इस रीजन में ज्यादा होती है। तो ये है लैटराइट सॉइल, क्लियर है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो सॉइल है वो है ब्लैक सॉइल, ब्लैक नहीं फॉरेस्ट सॉइल। नेक्स्ट जो सॉइल है वो है फॉरेस्ट सॉइल। अब इसके नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, फॉरेस्ट सॉइल यानी कि जो एक तरीके से ये सॉइल मिलेगी हमें माउंटेनियस रीजन में, माउंटेनियस रीजन में और डेल्टाई रीजन में। डेल्टाई रीजन में क्यों बोला मैंने, क्योंकि डेल्टा वाले जगह पर जमीन जो होगी वो रेतली और दलदली जमीन होगी और उस रीजन में वेजिटेशन ज्यादा ग्रो करती हैं। तो माउंटेनियस रीजन में ये ज्यादा मिलती, स्पेशली हिमालय, और हिमालय का जो स्प्रेड आउट है वो नॉर्थ इंडिया से लेकर और नॉर्थ ईस्टर्न तक है, नॉर्थ इंडिया से लेकर और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट तक हिमालय का स्प्रेड आउट है, क्लियर है ये। बात करें स्टेट की तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, वेस्ट बंगाल को मैं शामिल कर लेंगे हम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को हम शामिल कर लेंगे। अब देखो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में मेघालय जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं वो भी ज़्यादा मिलेंगे, तो वो सब किस रीजन में आ जाएंगे, वो फॉरेस्ट सॉइल की कैटेगरी में आ जाएंगे। अगर आप मैप में इसको शो करें तो उसमें आप देखो फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल, इसको दूसरा नाम भी दिया गया है फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल। तो इसमें देखो ये जम्मू कश्मीर हिमाचल उत्तराखंड वाला रीजन है, ये सिक्किम, ये अरुणाचल के पार्ट हैं, ठीक है। तो और यहाँ पर डेल्टा रीजन में हमें एलिवियल सॉइल और वी कैन से माउंटेन फॉरेस्ट सॉइल भी हमें मिल जाती है, ठीक है, डेल्टा रीजन में। तो स्पेशली इसमें आपको माउंटेनियस जो रीजन है यानी कि जो हिमालय का जो रीजन है वो इसमें आपको शामिल करना है, ठीक है। और वेस्ट बंगाल जो डेल्टा रीजन मैंने बताया था आपको, तो उसको आप फॉरेस्ट सॉइल में भी शामिल करोगे, लेकिन ज़्यादातर इस रीजन को आप किस में शामिल करोगे, इस रीजन को आप एलिवियल सॉइल के कैटेगरी में लेके आओगे, ठीक है। और लास्ट सॉइल है हमारी एरिड सॉइल, एरिड मीन्स सूखा। अब सूखा कहां पर होता है, जहां पर रेनफॉल क्या होगी, कम होगी। लास्ट सॉइल है हमारी एरिड सॉइल, जहां का अगर रेनफॉल की अगर मैं बात करूं, रेनफॉल की अगर मैं बात करूं तो लेस देन 50 सेंटीमीटर जहां पर बारिश होती हो, 50 सेंटीमीटर से भी कम, ठीक है। एक तरीके से ये डेजर्टेड पार्ट से बिलोंग करता है। कहां पर मिलती है एरिड सॉइल, स्पेशली राजस्थान और गुजरात, गुजरात में भी कच्छ का जो रण है और राजस्थान में भी बहुत बड़ा डेजर्ट है, ठीक है। तो एरिड सॉइल वहाँ पर मिलती, अच्छा कुछ पार्ट जो साउथर्न हरियाणा के भी कुछ पार्ट एरिड सॉइल की कैटेगरी में आएंगे, तो जहाँ पर रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से कम मिलती है। अब यहाँ पर भी जो ह्यूमस कंटेंट होगा सॉइल में वो क्या होगा, कम या ज़्यादा, तो ह्यूमस कंटेंट यहाँ पर भी कम होगा।
दूसरी बात, यहाँ पर कटेदार पेड़ ज्यादा मिलेंगे, झाड़ियां वगैरह वो ज्यादा मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो उनकी जो पेड़ कटेदार जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ें एक तरीके से काफी गहराई तक जाती हैं। किस लिए जाती हैं? फॉर सर्चिंग वाटर। लेकिन इस रीजन में जो अब बारिश कम है तो इस रीजन में अंडरग्राउंड वाटर लेवल भी क्या होगा? कम होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए अगर भी इंडिया में सबसे कम बारिश कहां पर होती है, तो बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट आंसर देंगे थार डेजर्ट वाले रीजन में, राजस्थान में। लेकिन इसका एक्चुअल में आंसर क्या है? इसका आंसर है लद्दाख, लद्दाख वाला रीजन, क्योंकि यहां पर रेनफॉल 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है, लेस देन 10 सेंटीमीटर। लद्दाख को हम बोलते हैं कोल्ड डेजर्ट। और इसको कोल्ड डेजर्ट क्यों बोलते हैं? यहां पर बर्फबारी तो होती है लेकिन बारिश इस रीजन में कम होती है, लेस देन 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सोयल। अब इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक बचता है सोयल इरोजन एंड कंजर्वेशन। सोयल इरोजन एंड कंजर्वेशन, अगर मैं बात करूं इरोजन की, तो इरोजन बेसिकली किससे होता है? एयर और वाटर से इरोजन होता है। इरोजन का मतलब क्या है? अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था जब ये सोयल एज ए रिसोर्स वाला टॉपिक हमने स्टार्ट किया, अभी जो सोयल की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है वो फर्टाइल होती है, टॉप मोस्ट लेयर। अगर हवा और पानी के द्वारा, ये टॉप मोस्ट लेयर है जो वो रिमूव हो जाए, जो कि फर्टाइल है और वही रिमूव हो जाए, तो क्या सोयल में फर्टिलिटी बचेगी? हाँ, इस लेयर को भी हम रीगेन कर सकते हैं लेकिन उसमें काफी टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं सोयल इरोजन, मिट्टी का कटाव। ठीक है, अब यहां पर इसके कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे गली इरोजन और सीट इरोजन। अब सीट इरोजन क्या होता है? अब जैसे मान लो भाई ये कोई सोयल है और हवा और पानी के द्वारा ये एक तरीके से इसका जो टॉप मोस्ट लेयर है वो साफ हो जाए, वो उड़ के कहीं दूसरी जगह चली जाए या पानी के कटाव के, तो इसको हम बोलेंगे सीट इरोजन। और गली इरोजन क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूं। जब पानी के द्वारा, जब पानी का फ्लो, स्पेशली रेनी सीजन में जब पानी का जो फ्लो है वो ज्यादा हो जाए और वो मिट्टी का कटाव करेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से मिट्टी को काट देगा, जो कि इससे क्या होगा, सोयल की जो फर्टिलिटी है वो भी रिड्यूज होगी। और इसको हम किस कैटेगरी में लेके आ जाएंगे? इसको हम बैड लैंड की कैटेगरी में हम शामिल कर देंगे। किस कैटेगरी में? बैड लैंड, यानी कि जो किसी भी चीज के लिए उपयोगी ना रहे, तो उसको हम बैड लैंड की कैटेगरी में शामिल कर देंगे। अगर आपसे पूछा जाए और क्या क्या रीजन है भाई एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा हम क्या करते हैं? डिफोरेस्टेशन, पेड़ों को काट रहे हैं। अब पेड़ों को काटने का मतलब एक तो ऑक्सीजन लेवल डाउन होगा।